आज हम देखेंगे टू बिट मल्टीप्लायर क्या होता है। अब टू बिट मल्टीप्लायर इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करे जिनमें क्या होनी चाहिए, टू बिट्स होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन का रूल देखते हैं, इसका बाइनरी मल्टीप्लीकेशन का हम रूल देखते हैं। तो देखो, अगर हमारे जो दो नंबर्स हैं जिनको हम, दो बिट्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों ही अगर जीरो हैं तो जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये जीरो है ये वन है तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, अगर ये वन है ये जीरो है तो भी जीरो आएगा, और अगर दोनों ही वन है तो हमें क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रूल है। अब वो दो नंबर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ए बी, तो ये क्या है, ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, ए डॉट बी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस चीज को किससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड गेट से इम्प्लीमेंट, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल ही है। ओके, एक तरह से क्या एंड गेट ही है। तो कुल मिला के अगर हम सिंगल बिट की बात करें, सिंगल बिट मल्टीप्लीकेशन की बात करें, तो उस केस में तो हम एंड गेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है, टू बिट मल्टीप्लायर की बात हो रही है, मतलब हमारे जो दो नंबर्स हैं उनमें क्या है, दो दो बिट्स हैं। कैसे, जैसे ये 10 है ये 11 है, तो ये है हमारा नंबर ए, ये है हमारा नंबर बी, तो दोनों में ही बिट्स कितनी है, टू टू बिट्स हैं। तो हमें इसी टाइप के लिए हमें क्या बनाना है, एक सर्किट डिजाइन करना है। तो पहले हम क्या देखते हैं, नॉर्मल हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, तो सपोज हमारे जो दो डिजिट के नंबर दिए हुए, कौन से, डेसिमल नंबर, सपोज यहाँ पे 24, यहाँ पे है 16 है। ओके, तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ओके, ये कैरी है, देन 6 × 2 = 12 और ये क्या हो जाएगा, +2, तो कितना हो जाएगा, 14। देन यहां पर हम आए तो 1 × 4 = 4, 1 × 2 = 2 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना रहता है, इन्हीं को ऐड करना होता है। देखो, इसको हमें किसी से भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद अब ये कोई कैरी भी जनरेट यहां पे नहीं करता है, जो इसको जनरेट करनी थी उसने पहले कर दी थी, जो कि यहां पर ट्रांसफर हो चुकी थी। ओके, अब यहां पर 4 + 4 कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहां पर तो कोई कैरी जनरेट हुई नहीं है, लेकिन अगर कोई यहां पर बड़ा नंबर होता, लाइक यहां पर 8 होता या 9 होता, तो ऑब्वियसली यहां से एक कैरी यहां पर जनरेट होती। अब भी क्या कैरी हुई है, यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ओके, नहीं भी लिखें काम चल जाएगा। इसके बाद में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर भी अगर बड़े नंबर्स हो तो यहां से भी एक कैरी जाती, और जो कि हमें कहां पर लिखनी पड़ती, यहां पर लिखनी पड़ती। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का रूल। यही चीज हम यहाँ पे बाइनरी में करके देखते हैं, ताकि हमें जो सर्किट डिजाइन करना है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब देखो, 10 और यहाँ पे क्या है, 11 है। 1 × 0 कितना आएगा, 0। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर यहां पर 10 कितना हो जाएगा, 0, और 11 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहां पे 0 लिख देंगे, यहां पर 1, यहां पर 1, तो देखो 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या देखते हैं, देखो अब सपोज हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, अब हमारा जो नंबर है यहाँ पे ए और बी है, क्या है, ए और बी, जिनमें दो दो बिट्स हैं, दो बिट्स हैं, मतलब ये ए 1 हो गई, ये क्या हो गई, ए 0, ये B1 और ये क्या हो गई, B0, मतलब ये जो हमारे नंबर्स थे ये A है, ये B है। अब ये इसकी कौन सी बिट है, ये वाली कौन सी बिट है, A1 है, ये क्या है, A0 है, ये B1 है और ये क्या है, B0 है। तो अब देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A0 B0 लिखेंगे। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, तो A1 B0 लिखेंगे। फिर हमने यहां पर ये क्रॉस साइन लगा दिया। फिर यहां पर हमने क्या किया था, B1 × A0 किया था, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, B1 × A0 लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, यहां पे B1 × A1 किया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, B1 A1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं को ऐड करना है। यही जो हमें फाइनल जो रिजल्ट, फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, वो यहीं से हमें मिलने वाला है, जैसा कि यहां पे हमें मिला था। और यहां पे जो लास्ट में कैरी थी वो क्या थी, 0 थी। तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें कितनी बिट्स होंगी, 4 बिट्स होंगी, जिनको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो हम पी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P0, ये P1, ये P2 और ये क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। यहां पर हम देखें तो अब हमारा जो P0 है वो क्या है, A0 B0। इसमें हम किसी भी चीज को ऐड नहीं करना है। ओके, यहां पर हम आए तो यहां पर भी कोई और कैरी तो नहीं आ रही है, प्रीवियस कैरी, तो यहां पर हमें सिंपली क्या चाहिए, A1 B0 + B1 A0।
तो ये चीज हमारी क्या मिली, हमें पी जीरो मिली, ये चीज हमें क्या मिली, पी वन मिली। अब यहां से कैरी जनरेट हो सकती है जिसका हम नाम क्या देंगे, सी वन देंगे, हो सकती है। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिखा, यहां से जो कैरी जनरेट होगी वो ऑब्वियसली कहां पे ऐड होगी, यहां पर, तो ये सी वन। अब जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, सी वन, दैट इज बी वन ए वन प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सी वन। ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहां से भी कैरी जनरेट हो सकती है, तो यहां से जो कैरी जनरेट होगी, देखो ये क्या है, पी टू है, यहां से जो कैरी जनरेट होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, पी फोर हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमें और कुछ ऐड नहीं करना है। तो यहां से जो कैरी जनरेट होगी वो क्या होगी, सी टू होगी, जो कि हमें क्या लिखना है यहीं पर एज इट इज। देखो सी टू यहाँ पे हमें एज इट इज लिख देना है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो लास्ट जो आउटपुट है पी थ्री वो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। अब हमें ये आउटपुट्स मिलेंगे कैसे, देखो पी जीरो हमें कैसे मिलेगा, सिंपली ए जीरो बी जीरो, इन दोनों के बीच में हमने सिंपली क्या लगा दिया, देखो हमने प्रोडक्ट किया है इनका, प्रोडक्ट दैट इज हमें क्या चाहिए, एंड गेट चाहिए। तो यहां पर तो हमारे एक एंड गेट इनफ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहां पर ये प्लस है, देखो ध्यान रखना ये प्लस है ना कि और है, एक लॉजिकल और एरिथमेटिक प्लस में डिफरेंस होता है। तो ये लॉजिकल प्लस नहीं है कि हम एक और गेट लगा दें और हमारा काम चल जाएगा, ये प्लस है, एडिशन है, एडिशन है। इसका मतलब क्या है कि हमें हाफ एडर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमें हाफ एडर की जरूरत क्यों पड़ेगी, देखो इन दोनों का रिजल्ट एक बिट आएगी, आइदर जीरो और वन, तो एक बिट आएगी, इन दोनों का रिजल्ट अगेन एक बिट आएगी, ठीक है। इन दो बिट्स को हमें एड करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाफ एडर की, क्यों, क्योंकि हाफ एडर क्या करता है, दो बिट्स को एड करता है। अब ये हाफ एडर कैसे काम करता है मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो कुल मिला के यहां और इन दोनों को ऐड करने के लिए, ना कि और करने के लिए, क्योंकि हम यहां पे प्लस कर रहे हैं, देखो और प्लस में एक डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, वन और वन क्या आता है, ओनली वन आता है, लेकिन वन प्लस वन क्या आता है, जीरो विथ कैरी वन आता है, जीरो विथ कैरी वन आता है, तो इसीलिए प्लस और में डिफरेंस होता है। तो अब यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक हाफ एडर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक एडर हाफ एडर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर हमें सिंपली क्या चाहिए, इसकी जो कैरी आएगी वही हमारा क्या होगा, पी थ्री होगा। अब इसी चीज को, अब देखो ये क्या था, हमारा आउटपुट्स है, ठीक है, पी जीरो ये आया था, पी वन ये आया था, पी टू ये आया था और पी थ्री आया था, जो कि मैंने यहां पर लिख दिए हैं, क्लियर है। अब हमें P0 कैसे मिलेगा, तो P0 के लिए हमें सिंपली क्या करना है, A0 इनटू B0 करना है, दैट इज हमें एंड गेट का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से आया हमारा A0, यहां से आया हमारा B0, ओके, और इन दोनों के बीच में लगा एंड गेट और हमें क्या मिल गया, P0 मिल गया, यहां तक तो कोई झंझट नहीं है। इसके बाद में आता है हमारा P1, ठीक है, तो P1 हमें कैसे मिलेगा, तो अब यहां पर देखो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, पहले तो हम ये वाली टर्म्स ले लेते हैं, तो ये वाली टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे, A1 B0, दैट इज इन दोनों के बीच में हमें एंड गेट लगाना है, तो A1 यहां से आ गया और B0 क्या चाहिए हमें, B0 चाहिए, तो ये B0 हमारा कहां से आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, इन दोनों के बीच में हमें लगा दिया एंड गेट, तो हमें ये एक टर्म मिल गई। फिर हमें क्या चाहिए, B1 A0 चाहिए, क्या चाहिए, B1 और फिर क्या चाहिए हमें, A0 चाहिए, तो ये यहां से हमने क्या ले लिया, एक ये A0 ले लिया, तो ये हमें क्या मिल गया है, ये हमारी दूसरी टर्म मिल गई। इन दोनों को हमें और नहीं, हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, दैट इज हमें क्या यूज करना है, एक हाफ एडर यूज करना है। अब यहां पे मैं सिर्फ ये लॉजिक डायग्राम बना रही हूं, बाद में इसका हम पूरा सर्किट बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम बना रही हूं, फिर मैं बाद में इसका पूरा सर्किट एक्सप्लेन करूंगी। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, एक हाफ एडर चाहिए, क्या चाहिए, हाफ एडर। अब हाफ एडर दो चीजें देता है, एक तो हमें सम देता है, तो वो सम हमारा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और एक ये क्या देता है, कैरी देता है, क्या देगा, ये कैरी जनरेट करेगा। देखो सम तो हमारा क्या हो गया, P1, ये सम हो गया, अब यही जो है कैरी भी जनरेट करेगा, तो जो कैरी है इस लेवल पर जो कैरी जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी C1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में P2, P2 को किसकी जरूरत है, B1 A1 और C1 की जरूरत है, और नहीं, ऐड करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, B1 A1, मतलब A1 B1, तो हमें एक तो क्या चाहिएगा, A1 चाहिएगा, तो यहां से हमने ले लिया A1, एक हमें क्या चाहिए, B1 चाहिए, तो ये यहां से हमने क्या ले लिया, B1 ले लिया, तो एक चीज तो हमारी आ गई, ठीक है, एक टर्म तो हमारी हमें मिल गई,
क्लियर है। इसके बाद में एक और हमें क्या चाहिए, C1, दैट इज ये जो प्रीवियस कैरी है वो चाहिए। तो अब हमें एक और चीज क्या चाहिए, C1 चाहिए। तो अब हमारा जो ये यहां से हम इस तरह से, अब सर्किट अभी अच्छा नहीं बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए, C1 चाहिए। तो इन दोनों को भी हमें क्या करना है, और नहीं, हमें क्या करना है, एड करना है इसको, और C1 को भी हमें क्या करना है, एड। तो अगेन हम क्या यूज करेंगे, हाफ एडर का यूज करेंगे। आप प्लीज डायग्राम को कंसिडर कर लीजिएगा, अच्छा नहीं बनाए। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, एक हाफ एडर से ये दोनों जाएंगे, C1 एंड A1 B1 ये दोनों जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहां से एक सम मिलेगा, जो सम मिलेगा उसका हमने क्या नाम दिया है, P2 नाम दिया है। तो इसका हमने नाम दिया है P2, तो हमें P2 भी मिल गया। और फिर हमारी जो कैरी यहां से जनरेट होगी अभी, क्योंकि हाफ एडर कैरी भी जनरेट करता है, तो इस कैरी का हमने क्या नाम दिया है, C2 नाम दिया है, ओके। तो हमें P2 भी मिल गया। अब हमारी जो P3 की इक्वेशन है वो क्या है, सिंपली C2 के इक्वल है। तो यहां से हम, यहां से ये क्या आ जाएगा हमारा, P3 आ जाएगा। तो ये चीज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहां पे हाफ एडर की जगह कौन सा सर्किट यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे तो मैंने सिंपली एक ब्लॉक बना दिया कि यहां पे भाई हाफ एडर होगा। अब हाफ एडर की मैंने आपको पहले ही इक्वेशन बताई थी, हाफ एडर कैसे वर्क करता है ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, मैंने अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। अब हाफ एडर की जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है, सपोज एक इनपुट है x, एक इनपुट है y, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो सम की इक्वेशन आती है, क्या चीज, सम की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, x एक्सोर y आती है। क्या आती है, x एक्सोर y आती है, ये हमारी सम की इक्वेशन आई थी। और कैरी की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, x डॉट y, मतलब x एंड y आई थी। इसका मतलब क्या है कि सम के लिए हमें दोनों इनपुट्स के बीच में क्या लगाना होता है, एक्सोर गेट लगाना होता है, और कैरी के लिए हमें दोनों इनपुट्स के बीच में क्या लगाना होता है, एंड गेट लगाना होता है। अब बात आती है इनपुट्स कौन से, तो हमारा देखो इस हाफ एडर में एक इनपुट कौन सा जा रहा है, ये दूसरा इनपुट कौन सा जा रहा है, ये। तो अब हमें इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, एक बार एक्सोर फॉर दिस, एक बार एंड गेट फॉर कैरी। तो अब इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब ये हमारा आया था डायग्राम, ठीक है। तो हमें P0 में तो और कुछ नहीं करना है, सिंपली एंड गेट चाहिए। तो हम सिंपली यहां से P0 का तो ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए, A0 चाहिए, B0 चाहिए, इन दोनों के बीच में लगाया एंड गेट, और हमें क्या मिल गया है, ये हमें मिला है P0 मिला है। उसके बाद में हम यहां तक, अब ये हमने इस लेवल तक तो बना दिया, हमारा P0 मिल गया है। इसके बाद में देखो ये चीज मैंने ड्रॉ कर दी है। अब जो कि मैंने सिंपली हाफ एडर यहां पे बना दिया था, जिसमें यहां से सम मिल रहा था और ये कैरी मिल रही थी, तो ये सम कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया एक्स एक्सोर वाई, मतलब दोनों इनपुट्स के बीच में हमें क्या लगाना है, एक्सोर लगाना है। तो अब हमारे दो इनपुट्स कौन से हैं, ये है और ये है, तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सोर गेट लगाना पड़ेगा। तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इससे मुझे मिलने वाला है क्या, सम मिलने वाला है। सम, सम का मतलब क्या है, हमें P1 मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिल गया हमें, P1 मिल गया, ओके। इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, कैरी चाहिए। तो कैरी के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे, किसके बीच में, दोनों इनपुट्स के बीच में। तो हमारे दो इनपुट्स कौन से हैं, ये हैं, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। तो यहां से हमने ये इनपुट ले लिया और यहां से हमने ये वाला इनपुट ले लिया, इनके बीच में मैं क्या लगाऊंगी, एंड गेट लगाऊंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगी, कैरी, दैट इज C1 मिल जाएगी, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ये वाला था, कौन सा वाला, ये नीचे वाला था। तो यहां पर क्या है, हमारे हाफ एडर के लिए तो मैं क्या लगा दूंगी, इन दोनों के बीच में एक्सोर गेट लगा दूंगी। तो हाफ एडर के लिए मैंने क्या किया, दो इनपुट्स, हमारे दो इनपुट्स कौन से, एक तो A1 B1 है और दूसरा क्या है, C1 है। तो ये यहां से मैंने ले लिया C1, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगा देना है, एक्सोर गेट लगा देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, P2 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे इन्हीं दो इनपुट्स के बीच में क्या लगा देना है, एंड गेट लगा देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगी, कैरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे, कैरी मिल जाएगी, दैट इज C2। और मुझे क्या चाहिए, P3, जो कि किसके इक्वल है, C2 के ही इक्वल है। तो ये मुझे क्या मिल गया, P3। हमने देखो कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, पहले ये इस तरह से हमने A1 B0 ले लिया, B1 A0 ले लिया, इनको एड करना था तो मैंने हाफ एडर लगा दिया, इस हाफ एडर ने मुझे सम दिया और कैरी दी। इसी तरह से मुझे इन दोनों चीजों को एड करना था तो मैंने
मैंने क्या लिया, हाफ एडर, इसने भी मुझे सम दिया, कैरी दी। फिर नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्या किया है, उसी हाफ एडर की प्लेस पे मैंने ये एक्सोर गेट किसके लिए ले लिया, सम के लिए ले लिया, क्योंकि हाफ एडर का डायग्राम ही ये होता है, फुल सर्किट डायग्राम यही होता है। क्या यूज करते हैं हम, एक्सोर गेट और एंड गेट का यूज करते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या वाकई में हमें सही सम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं, सही मल्टीप्लीकेशन सॉरी, अब हमारे जो नंबर से हम अज्यूम करते हैं क्या है, 1 0 और 1 1, दैट इज हमारा ये क्या है, a1 a0 है, और ये क्या है हमारा b1 b0 है। ओके, तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, a0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये है 0 और b0 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और ये क्या है, 1 और ये भी क्या है, 1 है। पहले हम यहां पर आते हैं, 0 1 एंड गेट से गए, क्या मिलेगा, 0, तो हमारा p0 क्या मिला है हमें, तो p0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0 मिली है, लिख दी मैंने। इसके बाद में हम यहां पे आते हैं, यहां से क्या आ रहा है, a1 आ रहा है और b0 आ रहा है, a1 और क्या आ रहा है, b0, तो a1 आया 1, b0 क्या आया, 1 आया, यहां से क्या मिला हमें, 1 मिला। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो यहां से क्या आ रहा है, a0 दैट इज 0 और दूसरा क्या आ रहा है, b1, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। अब एक्सोर गेट का आउटपुट क्या होता है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट में 1 मिलता है, तो यहां से हमें 1 0 हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैरी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, 0, यही 0 यहां पर आएगा। अब यहां पर क्या आ रहा है, a1 b1 हो रहा है, क्या हो रहा है, a1 b1 दोनों ही क्या है, 1 है, तो 1 1 यहां से क्या मिलेगा, 1, अब यहां पर भी 0 1 दोनों डिफरेंट है तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो देखो p1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली, p2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। कैरी की बात करें तो यहां से 0 आया, यहां से क्या आया, 1 आया, तो 0 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड गेट है, और यही 0 यहां पे आएगा, तो p3 की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब मैंने आपको अभी मल्टीप्लीकेशन ये वाला करके बताया था, जब 1 0 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 1 1 0, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 0 1 1 0 मिला है।